हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोलॉग बॉक्स का ट्यूटोरियल। इसका प्रोडक्ट वीडियो मैंने काफ़ी पहले अपलोड कर दिया था, बट ट्यूटोरियल वीडियो में काफ़ी टाइम लग गया इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग होती है फ़ोटो एडिटिंग से, मीन्स सारे मैं फ़ोटोज़ एडिट करके उसे प्रिंट आउट करने के बाद कट कर लेती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं सारे गिफ्ट रेडी करती हूँ। जैसे ये प्लॉट बॉक्स भी मैंने पिक्स के एडिटिंग, कटिंग सब कुछ करने के बाद स्टार्ट किया है। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो कस्टमर मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं आपके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं, इतने कॉस्टली नहीं होने चाहिए। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यार भाई देखो, इसमें बहुत टाइम लगता है, साथ साथ मेहनत भी काफ़ी लगती है, और मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, इतना बनाया है, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो यार थोड़ा बहुत तो बनता है यार इतनी मेहनत का। चलो फिर, मैंने ये सारी पिक्स कटिंग करने के बाद मैंने 12x12 cm की गोल्डन मिरर शीट ली है। इसका पैकेट ऐसे ही आता है, A3 साइज का भी आता है, 12x12 cm का भी आता है गोल्डन मिरर शीट का। आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, लोकल मार्केट में भी ये अवेलेबल है, मैंने बट ये ऑनलाइन स्टोर से मंगवाया है। ये इसे करने के बाद मैंने इनको कट कर लिया। देन मैंने पर्पल पेपर 250 GSM का लिया, मेजरमेंट मैंने डाला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको फोल्ड कर दिया। देन हमने जो ये पिक्स रेडी की थी वो मैं अभी इसके ऊपर स्टिक नहीं करूंगी, हम इसे स्टिक बाद में करेंगे। मैंने आपको बस ये दिखाने के लिए शो किया हुआ है, ये पर्पल पेपर 7 अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग फोल्ड किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे नेम ऐड कर रहे हैं या कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग फोल्ड कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। पुल आउट बॉक्स के लिए हमको बॉक्स भी रेडी करना है, तो हम अब रेडी करेंगे बॉक्स। इसके लिए हमको पर्पल और ब्लैक कलर का, मीन्स हमने जो कैप रेडी की है वो पर्पल कलर की है, और नीचे वाला जो बॉक्स है वो हम करेंगे ब्लैक कलर का। तो हम अभी सबसे पहले बॉक्स की कैप रेडी करेंगे। अगर आप ध्यान से इस वीडियो के अकॉर्डिंग मेजरमेंट एंड कटिंग फॉलो करते जाएंगे तो आपको बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। मोस्टली हम सारे बॉक्स जो रेडी करते हैं उनका जो तरीका होता है रेडी करने का वो सेम रहता है, बस मेजरमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मींस अगर आप कोई भी अदर बॉक्स रेडी कर रहे हैं उसका प्रोसेस सेम ही होगा इसी टाइप का। हाँ, और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मैं मोस्टली टैकी टेप यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, बट मैं आपके लिए कोई ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आती हूँ तो उसमें मैं ग्लू यूज़ करती हूँ। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप मेरे वीडियो देखने के बाद आप ये सोचें कि आपके पास टैकी टेप अवेलेबल नहीं है तो वो गिफ्ट रेडी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ग्लू अवेलेबल है तो आप उससे यूज़ करके भी गिफ्ट ईजिली रेडी कर सकते हैं, इसीलिए मैं अपने मोस्टली वीडियो में टैकी टेप यूज़ ना करके ग्लू यूज़ करके शो करती हूँ। चलो, बातों बातों में हमारा ये पर्पल कलर की कैप भी बन के हो गई रेडी। अब हमको नीचे वाला ब्लैक कलर का बॉक्स रेडी करना है, उसकी भी प्रोसेस सेम है, मेजरमेंट मैंने मेंशन की हुई है, सेम प्रोसेस से आपको वो रेडी करना है। और हमने जो स्टार्टिंग में पर्पल कलर का पेपर रेडी किया था ना फोल्ड करके, उसका हम एक पार्ट जो है नीचे से वो हम नीचे के बॉक्स में स्टिक करेंगे, और ऊपर वाला जो पार्ट है हमने ऊपर की कैप रेडी की थी उसमें स्टिक करेंगे। ये हमारा बॉक्स भी बन के हो गया रेडी। ऐसे मैंने 3 बॉक्स रेडी किए थे, पर्पल, पिंक एंड ब्लू। अब हमने गोल्डन पेपर ऐड करके जो पिक्स रेडी की थी वो पिक्स हम इस बॉक्स के ऊपर जैसे मैंने शो किया था वैसे 1x1 स्टिक कर लेंगे। स्टिक करने के बाद मैंने पर्पल बॉक्स का वीडियो शूट नहीं किया इसलिए मैं ब्लू बॉक्स का वीडियो शो कर रही हूँ आपको, ये भी सेम ही बना है। देन हम 10x30 cm की गोल्डन मिरर शीट लेंगे और उसे बॉक्स के अकॉर्डिंग उसमें ऐड करके फोल्ड कर देंगे। मैंने यहाँ पे टैकी टेप यूज़ किया है बिकॉज मिरर शीट में टैकी टेप यूज़ करने के बाद स्टिक करना बहुत ईजी हो जाता है, और हमने ये गोल्डन मिरर शीट जो बॉक्स के ऊपर रैंडमली फोल्ड किया था उसे अच्छे से एक बार फोल्ड कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा ओपन बॉक्स सा रेडी हो जाएगा। इसे हम बॉक्स के अंदर डाल के उसको लॉक कर देंगे, इससे क्या बॉक्स जल्दी से ओपन नहीं होगा और ये लुक भी काफ़ी अच्छा दे रहा है। इसमें मैंने थीम के अकॉर्डिंग स्टिकर ऊपर से स्टिक कर लिए। ये हमारे बॉक्स बनके हो गए रेडी। ये रहा इनका फाइनल लुक।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।